आपका क्वेश्चन है फाइंड पैरामीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर्स, ए डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स, सी डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड ए सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रफ स्केच बनाना शुरू करते हैं। तो रफ स्केच में सबसे पहले इसने कहा ए बी, तो ए बी हम 17 सेंटीमीटर्स बना देते हैं। तो हमने क्या किया, एक लाइन बनाई, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, दिस इज आवर 17 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आपका है ए डी इज 9 सेंटीमीटर्स, तो ए डी आपका 9 सेंटीमीटर्स है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको तिरछा बना दिया। हाँ, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर्स, तो दिस इज आवर डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट इज सी डी, सी डी इज 12 सेंटीमीटर्स, लेकिन यहां पर आप देखो एंगल सी आपका कैसा है, इज 90 डिग्रीज, तो बी एंड सी इज 90 डिग्रीज, एक आपको याद रखना है। तो दैट मीन्स यहां पर कहीं पर एक एंगल सी है जो 90 डिग्रीज बना रहा है वहां पर। ठीक है, तो सपोज बी एंड सी ये, और ए के लिए, तो ए इज समवॉट हियर, है ना, यहां पर। तो ये जो एंगल है आपका, ये 90 डिग्री बनना चाहिए। तो 90 डिग्री बनने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। तो दिस एंगल इज योर 90 डिग्रीज नाउ, तो दिस एंगल इज सी। ठीक है, और आपका क्या है, सी डी इज 12 सेंटीमीटर्स, तो आपका ये वाला जो है दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। और इसमें कुछ दिया है, बी सी दिया नहीं, ए सी दिया हुआ है, दैट ए सी इज 15 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स दिस इज 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, हमको पता करना है कि पैरामीटर एंड एरिया ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या होता है आपका, टोटल एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट वाला ट्रायंगल दैट इज ए डी एन सी, ए डी सी प्लस सेकेंड वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या है, ए सी एंड बी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नाउ तो इसके लिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या क्या है इसके अंदर, देखो यहां पर दे रखा है 17, यहां 15, यहां 90 डिग्रीज है, दैट मीन्स वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना। Now, तो 90 डिग्री इज दिस, तो ये आपका हो गया हाइट, ये है आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटनस, तो 17 स्क्वायर इज द हाइपोटनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, हमको पता नहीं है, प्लस हाइट स्क्वायर इज 15 स्क्वायर। अब 15 स्क्वायर को इस साइड में लेकर आ जाओ तो आपका क्या आ जाएगा,
आपका आ जाएगा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो ये वाला हमारा किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, है ना। तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अब आपका क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, तो आपका बी स्क्वायर आ जाएगा 17 माइनस 15 एंड 17 प्लस 15। दोनों को सॉल्व करो, आपका क्या आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 15 इज 2, 2 इंटू 17 प्लस 15 इज 32। तो आपका क्या आ गया 64। तो बी स्क्वायर इज 64, तो बी क्या हो गया आपका, बी क्या हो गया रूट ऑफ 64। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो आपका बी क्या निकल के आया, बेस क्या निकल के आया 8 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसको निकालना है ये वाला। नाउ अब क्या है हमारा पैरामीटर, टोटल पैरामीटर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर हमारा क्या होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नेम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला ट्रायंगल का ए बी सी, तो ये जो साइड है इसको हमने दे दिया ए, ये साइड को हमने दे दिया बी, और ये जो कॉमन साइड है दिस इज अवर सी। लाइकवाइज आपको इस ट्रायंगल का भी देना है ए बी सी। तो हमने दे दिया ए इज इक्वल टू 17 और बी इज इक्वल टू 8 और सी हमारा कॉमन रह गया, ठीक है। नाउ पैरामीटर वन बाय वन देखते हैं हम एक एक ट्रायंगल का। तो फर्स्ट वाला ट्रायंगल हमारा है ट्रायंगल ए डी एन सी, ट्रायंगल ए डी एन सी। और सेकंड वाला ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी एन सी, ठीक है। नाउ तो पैरामीटर हमारा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ऐड करो 9 प्लस 12 प्लस 15, 9 प्लस 12 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 प्लस 15 इज 27, 27 प्लस 9 इज 36। तो ये हो गया आपका 36 सेंटीमीटर्स। सेकेंड वाले का देखो 17 प्लस 15 प्लस 8, है ना। तो 17 प्लस 8 प्लस 15, तो ये कितना हो गया, 17 प्लस 15 इज कितना 32, है ना। 32 प्लस 8 इज 40। तो ये ठीक है, तो ये दो हमारे पैरामीटर्स निकल गए। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है फाइंड आउट द पैरामीटर्स, फाइंड द पैरामीटर। तो पैरामीटर अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, ऑल दिस फोर साइड जस्ट एड इट। तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा 9 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 17। तो क्या हो गया आपका, ये हो गया 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 17 इज 37, 37 प्लस 9, 37 प्लस 9 क्या हो गया 46। तो आपका आ गया 46 सेंटीमीटर
is the total parameter of this quadrilateral. So we can write it as parameter. ठीक है, यहां पर जो हम कर रहे हैं ये पैरामीटर है आपका ट्रायंगल्स का, तो ये क्वाड्रिलेटरल का इज 46 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक है, तो पैरामीटर इज ओवर। नाउ नेक्स्ट आपका एरिया निकालना है, तो हमने पैरामीटर्स निकाल दिए। सेकंड आपको निकालना है स्टैंडर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल ओनली, ये वाले ट्रायंगल का, क्योंकि ये तो 90 डिग्री वाला है, तो इसके लिए फॉर्मूला इज डिफरेंट। तो हमने क्या किया, इसका साइड निकाला। ठीक है, तो इसका साइड यानी स्टैंडर्ड साइड क्या होता है आपका, पैरामीटर बाय टू। ठीक है, तो पैरामीटर बाय टू हो गया इसका। नाउ तो क्या हो गया आपका, पैरामीटर इज 36, तो 36 बाय टू दैट गिव्स यू योर 18 सेंटीमीटर इज योर स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, एंड थर्ड इज योर एरिया। तो एरिया क्या होता है आपका, सिर्फ इसी ट्रायंगल का निकाल रहे हैं, इसका नहीं निकाल रहे हम अभी। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल यानी ये वाले का क्या होगा आपका, बाई हीरोज फॉर्मूला। तो एरिया आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, नाउ तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा क्या आएगा देखो, एस एस इज 18, नेक्स्ट एस माइनस ए इज 18 माइनस 9, एस माइनस बी इज 18 माइनस 12 एंड एस माइनस सी इज 18 माइनस 15। ठीक है, नाउ तो अब ये क्या आ गया आपका, देखो 18 इंटू 18 माइनस 9 इज 9, 18 माइनस 12 इज 6, 18 माइनस 15 इज 3। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स निकाल, 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 9 दैट मीन्स 2, और 9 के क्या होते हैं, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3, अगेन 9 आ गया तो 3 इंटू 3, 6 के 2 इंटू 3 एंड 3। ठीक है, अब हम इसके पेयर बनाएंगे, 2 इधर है 2 इधर है दैट मीन्स 2, 3 3 इधर भी है एंड 3 एंड 3। तो आपका क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 इंटू 2 इज 54। तो आपका आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, अब है आपका ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है आपका, तो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में आपका कैसा फॉर्मूला होता है, आपका होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, 1 बाई 2 इंटू बेस, बेस इज 8 एंड हाइट, हाइट इज 15, तो कट करो ये आ गया 4, तो 4 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया कितना हो गया हमारा, जस्ट वी विल राइट, ये है 54, ठीक है 54 और ये 60, तो टोटल इज 114 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको निकालो।